गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कासगंज के अमापुर विकासखंड में बीपी गंगा का रियलिटी चेक, गांव नगला सहजन के प्राथमिक विद्यालय में ना तो पंखे हैं और ना ही अन्य बुनियादी सुविधाएं। सपा में पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ जारी है बगावत, पूर्व मंत्री मोहम्मद इरशाद खान ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुदादाद खान ने लगाया बड़ा आरोप, मुसलमानों पर हो रहे उत्पीड़न पर अखिलेश की खामोशी से नाराज, फावड़ा लेकर जताया विरोध। प्रयागराज में एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या, पति पत्नी और तीन बेटियों की धारदार हथियार से हत्या, नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव की वारदात। बिजनौर में दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, थाना मंडावर के भोगपुर पट्टी का मामला। खटीमा में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक होटल में घुसी, दो लोग घायल, सितारगंज रोड पर हुआ हादसा। तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को 10 साल की सजा, 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। औरैया में अपर्णा यादव ने सपा पर बोला बड़ा हमला, पहले सन्यासी को मठ में भेजने की हो रही थी बात, अब ऐसे बयान देने वालों पर सीएम योगी बजाए लट। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई, आरोपी पर यूएपीए एक्ट की लगी धारा, पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन विश्वनाथ मंदिर के किए दर्शन, बाबा के दरबार में टेका मत्था, विधि विधान से की पूजा अर्चना, राज्यपाल और डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद।